subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. निम की मुखिया में भले ही निमकी की जिंदगी में कुछ अच्छा ना हो, लेकिन निमकी दूसरों का अच्छा और भला करना जरूर जानती है। अब आपको बता दें कि निमकी एक और फैसला लेने वाली है, जहां वो स्वीटी और वीडियो बाबू की शादी कराने वाली है। अब टुन्ने ने तो अपनी चुप्पी तोड़ दी थी, जहां टुन्ने ने निमकी को बता दिया था कि स्वीटी ने ऋतुराज से दोबारा शादी एक शर्त के चलते की थी, और वो शर्त ये थी कि निमकी को छोड़ दिया जाए हवेली वालों की तरफ से, और डाइवोर्स के पेपर पर बब्बू साइन कर देगा। इसी के चक्कर में ऋतुराज से कर ली थी स्वीटी ने दूसरी शादी, और इसी के चक्कर में आपको बता दें कि निमकी ये बात वीडियो बाबू को भी बता देगी, जहाँ निमकी वीडियो बाबू से विश रखेगी अपनी, यानी कि अपनी ख्वाहिश रखेगी और कह देगी कि जिस तरह मुझे खुशियों को पाने का अधिकार है, उसी तरह मेरी बड़ी बहन स्वीटी दी को भी पाने का अधिकार है, और मैं चाहती हूँ कि आप स्वीटी से शादी कर लीजिए, जिससे एलिना को एक माँ मिल जाएगी और आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, और मैं तो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहूँगी ही। और यहीं से वीडियो बाबू और स्वीटी की ज़िंदगी का सफ़र हो जाएगा शुरू। लेकिन क्या करेगी निमकी और कैसे इन दोनों की शादी करवाएगी, क्योंकि एक बार पहले भी निमकी ने यही सोचा था, लेकिन वो अपने सोच में असफल रही और स्वीटी चली गई वापस हवेली। तो आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.